सो दोस्तों फाइनल यहाँ पर इन्फिनिक्स के नोट 30 स्मार्टफोन की ऑफिशियल लॉन्च डेट आ चुकी है। अब यहाँ पर स्मार्टफोन आपको काफ़ी कमाल के स्पेक्स एंड डिजाइन ऑफर करने वाला है। यहाँ पर स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में बात करेंगे, किस प्राइस पे स्मार्टफोन आपको इंडिया मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 30 स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके सभी सवालों के जवाब भी देता हूँ। एंड वीडियो के अंत तक देखते रहना क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए यहाँ पर स्मार्टफोन जो आपको डिजाइन वगैरह देखने को मिलेगा वो प्लास्टिक का होने वाला है। हालांकि यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ इन्फिनिक्स ब्रांडिंग ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। 108 MP यहाँ पर आपको प्राइमरी देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर आपको 2 MP का दोस्तों डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। एंड थर्ड कैमरा जो होगा AI कैमरा होने वाला है। तो यहाँ पर आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में सेंटर कंसोल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है जो कि 6.78 इंच का होने वाला है। काफ़ी बड़ा एंड बिग डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले होगा। कलर वगैरह तो आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितना कि AMOLED में मिल जाते हैं, बट डिस्प्ले काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कॉर्निंग ग्लास 5P प्रोटेक्शन मिल जाती है। 120Hz रिफ्रेश रेट भी स्मार्टफोन पर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो डिस्प्ले वाइज स्मार्टफोन काफ़ी सही रहने वाला है। डिजाइन तो स्मार्टफोन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, आपको आया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फ्रंट में यहाँ पर आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में, जो को आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देगा। बाकी प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्मार्टफोन में MediaTek का डायमेंसिटी 1680 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। तो बैटरी कंजप्शन यहाँ पर आपको काफ़ी कम देखने को मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा बैटरी लाइफ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। स्मार्टफोन में आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलेगी। UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। जो बेस वेरिएंट होगा वो यहाँ पर आपको 4GB रैम प्लस यहाँ पर आपको 128GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिलेगा, जिसकी कीमत अराउंड 14,999 रुपये तय की गई इन्फिनिक्स की तरफ से। एंड इसका जो हाईएस्ट वेरिएंट होगा वो 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आने वाला है, जिसकी कीमत आपको अराउंड 17,000 रुपये देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो मुझे इतनी अच्छी पसंद नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्मार्टफोन में IPS डिस्प्ले दी गई है एंड कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलता, जिस वजह से मुझे इसकी प्राइस जो वो कुछ खास पसंद नहीं आई है। बाकी स्मार्टफोन जो एक्चुअल प्राइस है वो 13,000 रुपये होनी चाहिए थी, या फिर 14,000 में लॉन्च करके 1,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट दे देते तो 13,000 रुपये में स्मार्टफोन आपको इजीली मिल जाता, बट 15,000 रुपये में भी स्मार्टफोन फ्लॉप हो सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जो बताइएगा। बाकी अदर फीचर्स की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 मिल जाता है, इन्फिनिक्स का OS यहाँ पर आपको मिल जाएगा, साइड मॉनिटर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बाकी बैटरी वगैरह की बात करें तो 5000 mAh की यहाँ पर आपको बैटरी मिल जाती है। USB टाइप सी पोर्ट के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स 45W का फास्ट चार्जर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 14 तारीख को स्मार्टफोन ऑफिशियली इंडिया मार्केट में लॉन्च होने वाला है और ये इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस थी, तो आप सब कन्फर्म पकड़ के मत चलेगा, 1-2 हज़ार रुपये ऊपर या फिर नीचे भी हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रोजाना देखने को मिलते हैं। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।